हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने क्या जाना था, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाराज लास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आई होप आपको वो अच्छे से समझ में भी आई होगी। उससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो है वो करके भी देखे होंगे, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, राइट। हम लोगों ने बात की थी कि जो हम सेल्स हैं वो दो तरीके की पढ़ेंगे, एक थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको आप गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोलते थे, एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल के बारे में हम अच्छे से पढ़ भी चुकी हैं, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो काम होता है वो एक दूसरे से जस्ट क्या होता है बच्चे, रिवर्स होता है, ठीक है। मतलब कि आप क्या कहते थे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वेयर एज जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, राइट ओके। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का मतलब मेरे एलकेजी क्लास से नहीं है, मतलब जब आप साइंस पढ़ते आए हो तो मोस्टली आपने इलेक्ट्रोड्स वगैरह के बारे में इस तरीके की रिएक्शंस पढ़ी, तो वहां पर आपने गैल्वेनिक सेल नहीं बचो, मोस्टली आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ी है। और भी अगर देखें तो टेंथ में आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस देखी है, मतलब जितनी भी हमारे रिफाइनिंग के प्रोसेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में बहुत ज्यादा डीपली बताने की जरूरत है, इंटेलिजेंट आप हैं आई नो, ठीक है। तो फिर भी बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो ये तो क्लियर हो गई कि करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मैंने यहां पर लिया है कॉपर सल्फेट का, और जिसमें मैंने थोड़ा सा एसिड भी ऐड कर दिया। एसिड आपको पता है क्यों ऐड किया जाता है, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, ओके। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर दो क्या लिए हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड लिए हैं, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, कॉपर के, ठीक है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, कॉपर के हैं, बट एक लिटिल डिफरेंस बिटवीन दैम इज वन ऑफ विच इज इम्प्योर एंड द सेकेंड वन इज प्योर, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि प्योर किस पर होगा और इम्प्योर किस पे होगा, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये दोनों हमने क्या ली, कॉपर की इलेक्ट्रोड ली, ठीक है। और हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल वोल्टेज यहां पर अप्लाई की है। जहां तक आपको याद हो तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना, तो यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल क्या यूज किया है बच्चे, वोल्टेज यूज की है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव पोल, इसको मैंने बोला है कैथोड, इसको क्या बोला है कैथोड, और इसको मैंने बोला है एनोड, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक वर्ड पढ़ा था लोन, LON, लोन, ठीक है, लोन आप लोगों ने पढ़ा था। अब ये जो लोन होता है दैट इज आपने पढ़ा था लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव। तो यहां पर लेफ्ट और राइट का तो जिक्र ही नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे पास बीकर क्या है, सिर्फ एक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव, ठीक है, दो वर्ड इसमें ठीक है, एक में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब यहां पर जो एनोड है उसके ऊपर क्या चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। आपने वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ा था कि लेफ्ट है, ऑक्सीडेशन है, एनोड है और नेगेटिव है, राइट। एनोड पर क्या चार्ज पड़ा था, नेगेटिव। अब मैं जैसे हम बात करें कि दोनों के वर्किंग ही एक दूसरे से अपोजिट है, तो इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहां पर जो एनोड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता बच्चे, उस एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बस ये मेन चेंज है, इसी की वजह से सारी रिवर्स भी प्रोसेस भी है जो क्या होती जा रही है, रिवर्स होती जा रही है, गॉट इट। तो दोबारा देखिए मैं क्या कह रही हूं कि जो एनोड है इसमें यहां पर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसके अलावा चेंजेस नहीं है। अगर एनोड है तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है, और चेंजेस नहीं है। मैं दोबारा कह रही हूं एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा,
ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखिए हम इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो कंस्ट्रक्शन आई होप समझ में आ गई होगी कि हमने एक कंटेनर लिया है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जिसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया है टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। दो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं, इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल वोल्टेज से हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, अब देखा हमने दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, कॉपर के बने हुए हैं। वन ऑफ विच इज क्या है, इम्प्योर, एंड द सेकेंड वन इज प्योर। ठीक है, हमने देखा कि यहां पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा, हमेशा ही रिडक्शन होगा। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था, राइट, इलेक्ट्रो ये चीज सेम रहेगी दोनों ही सेल में, कि कैथोड पर क्या होना है आपका, रिडक्शन होना है, और एनोड पर क्या होना है आपका, ऑक्सीडेशन होना है। अच्छा, अब देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। जैसे ही आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की बच्चों यहां पर, ठीक है, जैसे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की, तो यहां से जो कॉपर होगा ना, ठीक है, अब देखो ये क्या है, इम्प्योर कॉपर है। क्या है, इम्प्योर कॉपर है, बट कॉपर तो है। तो यहां से जो कॉपर होगा वो क्या करेगा, अपने टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, निगेटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ठीक है, निगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे बच्चे, रिलीज हो रहे होंगे, तो क्या होगा, यहां पर जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, ठीक है, इसका पॉजिटिव पोल इस तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, ये पॉजिटिव पोल होगे, इस तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, तो यहां से जैसे ही देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इसने क्या कर दिया, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन तो भी आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने ये कॉपर टू पॉजिटिव होंगे वो कहां आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और कॉपर टू पॉजिटिव आयन पे अब यहां पर जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वैसे भी नेगेटिव पोल है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो कॉपर टू पॉजिटिव, देखो कॉपर टू पॉजिटिव मेरे इधर भी थे, तो आप मोस्टली कहा जाता है कि ये भी क्या होगा, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉपर टू पॉजिटिव SO4 टू नेगेटिव यहां पर है, और कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गए। तो जितने कॉपर टू पॉजिटिव आते हैं वो उतने के उतने कहां चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। तो अब आप इसको चाहे ऐसे मान सकते हैं कि इसके कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में चले गए, और यहां के जो कॉपर टू पॉजिटिव थे नेगेटिव की तरफ, यानी कि इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कॉपर टू पॉजिटिव यानी कॉपर सल्फेट की न्यूट्रलिटी क्या रहती है बच्चे, मेंटेन रहती है, इसकी कंसंट्रेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि जितने कॉपर टू पॉजिटिव आप ऐसे कह सकते हो सॉल्यूशन में आएंगे, उतने ही क्या हो जाएंगे, इधर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम सिंपल वे में सोच सकते हैं कि यहां से जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो इधर डिपॉजिट हो गए, गॉट इट। तो कॉपर टू पॉजिटिव यहां सॉल्यूशन में आए, इसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट हो गए। अब देखिए क्या हुआ, अब कॉपर टू पॉजिटिव तो इधर डिपॉजिट हो गए, ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव डिपॉजिट हो गए। अब क्या हुआ, अब हमने कहा था कि जो आपका एनोड है इसके ऊपर जो लगी जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे इम्प्योर है। तो हो सकता है इस इलेक्ट्रोड के अंदर कॉपर तो था ही, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, लेकिन इम्प्योरिटी हो सकती है जिंक की, हो सकती है मैग्नीशियम की, हो सकती है बहुत सारी अलग अलग चीजों की हो सकती है, राइट। तो वहां से जो ये जिंक मैग्नीशियम होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे आकर गिर जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्ट थोड़ी करेगा इनके साथ में, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड स्लज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड कह देते हैं कुछ लोग इसको एनोड स्लज बोल देते हैं, राइट। तो हुआ क्या बेसिकली, कि यहां से आपका जो प्योर कॉपर था, सिर्फ कॉपर इधर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, उसके बाद में कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो गया, वहां से वो इस कैथोड पर जाकर क्या हो गया बच्चे, डिपॉजिट हो गया। तो इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस भी बोला करते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में भी। तो यहां से ये बेसिकली यूज की जाती है मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए, और इस रिफाइनिंग के दौरान जो हमें यहां पर मेटल प्योर फॉर्म में मिलेगा वो 99.95% क्या होगा, प्योर होगा, गॉट इट। तो अगर हम इसकी कैथोड और एनोड पर रिएक्शन देखें तो क्या होगा, क्या होगी बच्चे, कि जो हमारी एनोड है, ठीक है, कैथोड और एनोड पर अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो क्या रिएक्शन होने वाली है, चेक करते हैं।
एट एनोड की अगर मैं बात करूं तो एनोड पर आप लोगों ने क्या बोला, एनोड पे बोला कि मैम यहां पर तो क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो यहां पर जो कॉपर था हमारे पास, उसने क्या कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया और किसमें चला गया, ये एक्वस मीडियम में चला गया। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कैथोड पर कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, तो कैथोड पर क्या हुआ, इस कॉपर आयन ने, यहां पर जो कॉपर था आयन था टू पॉजिटिव की फॉर्म में, उसने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, मैंने अभी भी बात की बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, इस सॉल्यूशन के जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन यहां पर पड़े होंगे वो क्या करते हैं, पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कैथोड और एनोड पर क्या बता सकते हैं, इनकी रिएक्शन बता सकते हैं और बता सकते हैं कि यहां से जो आपको इलेक्ट्रॉन मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होते हैं और यहां से जो आपको मेटल मिलेगा वो क्या होगा, काफी प्योर होगा, हाई प्योरिटी उसकी होगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहां पर जो आपको कॉपर मिलने वाला है वो कैथोड पर मिलेगा या एनोड पर मिलेगा, तो प्योर तो किस पर मिलने वाला है बच्चों, आपको कैथोड पर मिलने वाला है। गॉट इट। तो बहुत सारे मेटल है, लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, वो सारे के सारे मतलब लार्ज स्केल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इस प्रोसेस से यहां से रिड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ ली, क्या पढ़ ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ ली, और हम लोगों ने क्या पढ़ ली बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ ली अभी अभी, है ना। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या क्या है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो ये कैसे डिवाइस है जो क्या करते हैं, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है। ठीक है, इन विच रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, है ना। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है रिवर्स सिस्टम। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कहां किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो ना वोल्टेज देके इधर से, है ना। अच्छा, उसके बाद में बात करूं मैं इसका सेकेंड पॉइंट, तो कहता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, और ये कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप समझते हैं कि जो अपने आप से हो रही है, मतलब वो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जाना चाहिए था वहीं पर जाएगा, है ना। जहां से जहां जिस तरफ जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रोड पे भेज रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है ये कैसी होती है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, यहां पर जो रेडॉक्स रिएक्शन करवाई जाती है वो कैसी होती है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है कि यहां पर आपको टेंशन आई होगी कैसे इलेक्ट्रॉन इधर चला गया कैसे नहीं गया, तो जबरदस्ती करवाओगे तो कुछ भी होगा ना, है ना। मान लीजिए आपके पास में क्या है, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये पत्थर रखा हुआ है, थोड़ा सा पुश करोगे नीचे गिर जाएगा क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन ये पत्थर को थोड़ा सा इतना ही धक्का देके ऊपर पहुंचा सकते हो क्या, नॉट पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद पहाड़ तक जाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट तक आपको एनर्जी देनी पड़ती है। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ, थर्ड पॉइंट में कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं, टेकन इन डिफरेंट बीकर, है ना। क्या होते हैं, डिफरेंट बीकर होते हैं इसमें, और डिफरेंट ही क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। डिफरेंट ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या लिया बच्चों, एक ही इलेक्ट्रो टाइप का इलेक्ट्रोड लिया और एक ही टाइप का क्या लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया। तो ये क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। ओके, अगर फोर्थ डिफरेंस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। चलो ये इसमें आ गया। ठीक है,
अच्छा, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं दोनों में केस में, ये चीजें हमारे क्या हो गए, यूज हो गए। हाँ, अगर इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मेन चीज आती है यहाँ पर कैथोड और एनोड वाली, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपका एनोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो आपका कैथोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यहाँ पर जो आपका एनोड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस बच्चे याद रखिएगा, प्रोसेस सेम रहेगी, एनोड पर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पर यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पर यहाँ भी क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, ठीक है। तो अगर इसके फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, एनोड टू कैथोड मूव करते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, एनोड टू कैथोड मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करती हूं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है सप्लाई करवाए जाते हैं बाय दी बैटरी एंड दे एंटर थ्रू दी कैथोड एंड कम आउट थ्रू दी एनोड, ठीक है, क्योंकि यहां से पहले जो इलेक्ट्रॉन गए वो किसके थ्रू गए, बैटरी से, और बैटरी से होते हुए, है ना, सबसे पहले तो बैटरी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन रोल है, तो ये पहले यहां से यहां कहां गए, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो या फिर यहां से यहां किसके थ्रू आए, किस पर आए, इस कैथोड के ऊपर आए, ओके। अगर मैं यहां पर बात करूं किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो यहां पर एक सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई भी सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस था किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, तो आप यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो आपके पास यहां पर आप करंट के बारे में बात करेंगे, कूलम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, कितना करंट आपने दिया, कितना नहीं दिया, ऑब्वियस सी बात है वो चीज काफी ज्यादा यहां पर अफेक्ट डालेगी, कि भाई हमने ज्यादा वोल्टेज दी है, ज्यादा करंट दिया है, तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, किस बेसिस पर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। तो और इन्हीं क्वेश्चंस को ओवरकम करने के लिए कौन आए, फैराडे आए, ठीक है, तो यहां से कौन आए, हमारे फैराडे, और फैराडे ने दो लॉज दिए थे, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, सो विच विल वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फैराडे लॉज के ऊपर होगी, तब तक हम क्या है, इन्हीं के ऊपर एक छोटा सा क्या है, आपका एक एनिमेशन वीडियो है, आई होप आपको उससे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों टिल देन पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल देख सकते हैं, ये अरेंजमेंट है, और हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज यहाँ पर लगाया है, एज वी ऑल नो दैट इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर ये कैसी प्रोसेस है बच्चे, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक एक्सटर्नल वोल्टेज है, हमने यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, एंड जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और किस इस तरीके से जो है वो करंट का यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो बैटरी जो दिखाई दे रही है उसमें जो हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ जो इलेक्ट्रोड है वो किसके, कॉपर की है, और कॉपर सल्फेट हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट हमने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और डायरेक्ट करंट यहाँ पर हम प्रोवाइड करें, डीसी करंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है देखिए कैथोड पर, ओके, और ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आपको दिखाई दे रहा है एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, रिडक्शन कैथोड पर और ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है, गॉट इट। रिडक्शन अगर हाफ रिएक्शन देखें तो कॉपर टू पॉजिटिव ने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर यानी कि मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन चेक करें तो कॉपर में ने यहाँ पर एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड के बीच में आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, अगर हम दोनों में कंपेयर करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, विच इज वन ऑफ विच गैल्वेनिक सेल, तो क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है यहाँ पर,
ठीक है। एनोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, सेल पोटेंशियल हमेशा इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होनी थी क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इसमें कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, जैसे हमने देखा एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये भी। और अगर इसके सेल पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है एज इट इज़ ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो वो जो आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन कहता क्या है, हर एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा और रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा, कैथोड पर ही होगा, हमेशा इसी तरीके से।